सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी के लिए। क्रिमिनोलॉजी के लिए कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं कॉलेजेस के, टॉप ऑप्शंस और टॉप सिटीज की हम बात करने वाले हैं। मतलब पर्टिकुलर आपने नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता का तो सुना ही है, और इन्हीं जगहों से अगर आप चाह रहे हैं कि कोर्स करूं क्रिमिनोलॉजी के लॉ से रिलेटेड, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये हम पूरा डिस्कस करेंगे एक एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ का। ठीक है भाई, तो आखिर तक वीडियो देखना है, दोस्तों भी शेयर कर देना है, और भाई चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है अगर पहली बार आ रहे हैं तो, क्योंकि सारी जानकारी कॉलेज कोर्स और करियर से रिलेटेड आपको यही इसी चैनल पर लॉ से रिलेटेड मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट कर ले भैया, टॉप कॉलेजेस फॉर क्रिमिनोलॉजी इन इंडिया, यानी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं, 7-8 सिटीज़ लेने वाले हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शंस हो। चलो भाई, सबसे पहले तो हम कुछ नाम ऐसे लिखते हैं जो हर कहीं से, मतलब ऑल ओवर से अच्छे नाम है, जैसे यूनी पुणे मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, या फिर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे की जो है उसको बोला जाता है VJS रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज। ये बीकानेर राजस्थान में स्टैब्लिश है। आप चाहें तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको बनता है, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज है, ये गांधीनगर गुजरात में है। MK मुकुद्दे मदुरई में है, ये ऑप्शन आपके पास। मानिकचंद पहाड़े लॉ कॉलेज है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, ये भैया कानपुर में है। NLU दिल्ली का एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में है, जो आपके पास ऑप्शन ओवरऑल के हैं। इसके अलावा हम सिटी वाइज अगर जाएं तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, दिल्ली की। न्यू दिल्ली में आपके पास जो ऑप्शन है वो एक तो JP नारायण साहब के नाम से जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा GGSIPU मतलब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये एक अच्छा ऑप्शन है। जिंदल ग्लोबल स्कूल आप जा सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है। इग्नू का एक ऑप्शन आपके पास है, इग्नू मतलब ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो भी ये कोर्स कंडक्ट कराती है क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड। फिर बात पुणे की करें, सो हमने कुछ कॉलेजेस में एक तो यूनी पुणे का नाम हमने देखा ही है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। इसके अलावा सिम्बियोसिस, जी हाँ नाम अच्छा है, इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ का एक ऑप्शन है। फिर भैया किरीट पी मेहता, ये स्कूल ऑफ लॉ ऑप्शन आपके पास पुणे में हो जाता है। तो ये ऑप्शंस पुणे के हैं अगर क्रिमिनोलॉजी यहाँ से आप करना चाहते हैं तो। इसके अलावा हम बात चेन्नई की कर लें, सो अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और चेन्नई में ये कोर्सेज देख रहे हैं, तो ये ऑप्शंस चाहे वो डॉक्टर VR अम्बेडकर लॉ कॉलेज की बात कर लें या मद्रास यूनिवर्सिटी की बात कर लें, TNOU यानी तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। DG वैष्णव कॉलेज का एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा प्रोफेसर धनबालन कॉलेज फॉर वुमन, ये गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ से भी क्रिमिनोलॉजी में ये कोर्स आप कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात बेंगलुरु की कर लें, तो भैया थोड़ा सा ऊपर आ जाएं हम चेन्नई से, बेंगलुरु यानी कर्नाटका, और कर्नाटका के ऑप्शंस हैं आपके पास ये कोशिश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा गुरु राघवेंद्र विद्यादीप बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकेडमी। इसके अलावा महाराजास कॉलेज है ऑप्शन, फिर श्रीनिवासन यूनिवर्सिटी का है। इसके अलावा कर्नाटक यूनिवर्सिटी, ये आपको ये क्रिमिनोलॉजी में लॉ के कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं, तो ये ऑप्शंस प्रोवाइड आपको बेंगलुरु में हो जाएंगे। इसके अलावा कोलकाता की बात कर लें, सो कोलकाता में सिस्टर निवेदिता एक अच्छा नाम है, जाना माना नाम है। इसके अलावा जादवपुर का नाम है, GIS यूनिवर्सिटी है, एडवांस यूनिवर्सिटी, और NLU तो है ही वेस्ट बंगाल का भाई, इस पे तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास कोलकाता में हो जाते हैं। अब बात हैदराबाद की कर लें, सो हैदराबाद में आपके पास थर्ड नंबर का NLU है, लालसार यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड वर्चुअल लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये भी आपको क्रिमिनोलॉजी में ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं लॉ के लिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ तो है ही, फिर पेंडेकांती लॉ कॉलेज और काकतीय यूनिवर्सिटी, ये आपके हैदराबाद में ऑप्शंस यहाँ पे इस कोर्स के लिए हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी मुझे लगता है बातें हो गई हैं लॉ से रिलेटेड, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो आके क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।